अयोध्या में राम मंदिर बनवाने और पीओके को भारत में शामिल करने को लेकर हमारे संवाददाता संदीप खेर ने यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की। मिलिए मंत्री जी से। R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं, जो आज एक कार्यक्रम में पहुंचे। सर, बहुत बहुत स्वागत है R9 टीवी में आपका। सर, आप देख रहे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बैठे हैं। आज अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस पर आज मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया था कि आज के दिन हम उन बच्चों से मिलेंगे जो दिव्यांग हैं। हम लोगों ने पूरी योजना रचना की और पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हमने उन बच्चों को बुलाया है जो कॉक्लियर इम्प्लांट का की ये जो योजना जो सरकार की एक है उससे लाभान्वित हैं, और उसी कार्यक्रम में हम लोगों की मुलाकात होगी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। सर, रंजन गोगोई ने स्पष्ट कर दिया है नवंबर में सर राम मंदिर को लेके, जो एक आस्था का विषय भी है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने ऐतिहासिक फैसले किए हैं, चाहे तीन तलाक का हो, तो सर क्या लगता है इस बार फैसला आ जाएगा? सर, बिल्कुल आना चाहिए। अब तो रोज़ रोज प्रतिदिन सुनवाई हो रही है, तो वो तो इतना लंबा जो इंतज़ार है उस पर फैसले की घड़ी आने वाली है। हम सब लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना शुरू हो। सर, राजनाथ सिंह और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर होगी, जल्द से जल्द पीओके भारत के पास वापस आ जाना चाहिए, जिसको लेके देशवासियों में एक सर खुशी की लहर भी। क्या लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी इसको कर पाएगी? सर, बिल्कुल करेंगे। आपने हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का बयान पार्लियामेंट के अंदर सुना होगा कि गुलाम कश्मीर जो है हम उसके लिए जान लड़ा देंगे, हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। तो जब इतनी प्रतिबद्धता है, इतना संकल्प है, इतना बड़ा सपना है, तो निश्चित पूरा होगा, और एक दिन वो हमारा हिस्सा जो भारत का है वो भी हमारे साथ जुड़ेगा। अनिल राजभर जी का साफ तौर पे कहना ये है कि जो भारत की एक परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने देखी है वो जरूर पूरी होगी, समस्त देशवासियों का जो सपना है राम मंदिर को लेकर वो भी जल्द ही पूरा होगा, हालांकि अभी किसी भी तरह का समय निर्धारित नहीं हुआ है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।